रोज इस तरह से छोटे से वीडियो में कवर करेंगे आज के दिन की उन तमाम खबरों को जो बिहार में शिक्षकों से या शिक्षक बहाली वाले कैंडिडेट से जुड़ी हुई खबरें हैं। तो वन बाय वन चलते हैं खबरों की तरफ। आपके स्क्रीन पर पहली खबर है कि निजी स्कूलों का भी अब निरीक्षण हुआ करेगा जिस तरह से सरकारी स्कूलों का होता है। निजी स्कूलों के मामले में एक एडवांटेज उन स्कूलों को ये है कि उनके पास लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव पावर अपने स्कूल को रन करने के लिए होता है। तो निजी स्कूलों में अगर कोई कमी पाई भी जाती है तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला नहीं है वहाँ पर चेंज। अगली खबर का रुख करते हैं। बाहरी शिक्षक फिर से डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। बिहार के बाहर के शिक्षक जिनको कुछ रिलैक्सेशन दे दिया गया गलती से, ये मिस्टेक है एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरी मैनेजमेंट का, जिसने इस पूरे एग्जामिनेशन को, इस रिक्रूटमेंट को मैनेज किया है। लेकिन अब इसके विक्टिम बन गए हैं वो तमाम कैंडिडेट जिन लोगों ने जॉब लिया दूसरे स्टेट के थे और रिलैक्सेशन ले लिया। अब इनकी जॉब जाएगी, सारा सैलरी वापस करना पड़ेगा। तीसरी खबर का रुख करते हैं। आपकी स्क्रीन पर अभी देखिए खबर ये है कि जो मॉर्निंग की टाइमिंग है इसको लेकर के विरोध चल रहा है। एक अखबार ने इसके ऊपर आर्टिकल पब्लिश किया है जो आर्टिकल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। तो टाइमिंग को लेकर के विरोध, ऑलमोस्ट डेली ये वाली खबर किसी न किसी अखबार में प्रकाशित हो रही है। तो आज के दिन में यही तमाम खबरें हैं। जो भी लोग बाहर से हैं वो लोग लगातार अब नज़र रखें क्योंकि अब उनके डॉक्यूमेंट जो हैं वो ज़िला ऑफिस में जमा होने शुरू हो गए हैं। तो अगर आप भी बिहार के बाहर के टीचर हैं और यहाँ पर BPSC की तरफ रिक्रूट हुए हैं तो थोड़े अलर्ट पर रहिए कब आपके ज़िला में टाइम डेट आता है अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करने का। तो अभी के लिए इतना ही, आगे कोई भी अपडेट आए उसको मैं जल्दी से जल्दी आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।